तो 2019 के चुनाव से पहले सियासत गर्माती दिख रही है और आपको बता दें रामविलास पासवान की पार्टी ने अब मोदी सरकार को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान की पार्टी ने दलितों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए SC ST एक्ट पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि बीजेपी को समर्थन मुद्दों पर आधारित है। पार्टी ने दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान करने और 9 अगस्त तक NGT के अध्यक्ष जस्टिस AK गोयल को पद से हटाने की मांग की है। जिस तरीके से रिटायर्ड जस्टिस गोयल साहब को NGT का चेयरमैन बनाया गया, ये वही व्यक्ति हैं जो कि न्यायाधीश रहते हुए इन्होंने इस कानून को कमजोर करने का इन्होंने प्रयास किया। अनुसूचित जाति जनजाति समाज में इस तरीके का संदेश दिया कि जिस व्यक्ति ने हमारे कानून को दंडहीन किया, जिस व्यक्ति ने हमारे कानून को कमजोर करने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं सरकार ने उनको पुरस्कृत करते हुए, उनको रिवॉर्ड देते हुए उनको NGT का चेयरमैन बनाया। इस बात को भी लेकर इस समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश। दरअसल NGT के चेयरमैन बनाए गए जस्टिस AK गोयल सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजों में शामिल थे जिन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम को लेकर आदेश दिया था कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, दलित सेना को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो दलित सेना भी सड़क पर उतरेगी। तो इस बार का जो आंदोलन होगा संभवतः पिछली बार से ज्यादा आक्रोशित होगा, पिछली बार से ज्यादा उग्र होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर सरकार ने सही कार्रवाई नहीं की तो उनकी पार्टी भी दलित संगठनों के साथ 9 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होगी। लोकसभा में LJP के 6 सांसद हैं। 2014 में BJP के साथ हाथ मिलाने से पहले पासवान UPA के साथ थे।